नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीएमएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस समय पाकिस्तान में ऐसा बोहराम आ गया है कि अब पाकिस्तान पूरा डूबने के कगार पे है। दोस्तों पाकिस्तान में इस समय इतनी कंगाली हो चुकी है कि जो अब पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अपने पाकिस्तानी आर्मी की बजट को एकदम कम कर दिया है। दोस्तों हर एक देश के लिए उसकी आर्मी हो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उस देश की आर्मी को अगर उसको अच्छे अच्छे वेपन्स न दिए जाए तो वो एकदम बर्बाद हो जाता है। वहीं पे जो भारत है वो अपने आर्मी को एक से एक बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया जो वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करा रही है, अच्छे से गन दे रहे हैं। वहीं पर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपनी बजट कम कर रही है डिफेंस की। दोस्तों और यही बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान इतना कुछ होने के बाद भी वो कह रहा है कि हमारी जो आर्मी है वो कह रही है कि हम भूखे भी हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को इन्जॉय करिए। डिफेंस बजट कम किया गया पाकिस्तान का। डिफेंस बजट कम क्या मतलब? डिफेंस बजट इंडिया में तो ये इमेज थी कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता, चाहे वो चार भाई एक रोटी खा लें, लेकिन डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता। ये डिफेंस बजट कैसे कम हुआ? देखिए बिल्कुल डिफेंस बजट का यही सुना गया है कि कम किया है, और आर्मी ने कहा है कि बस ठीक है जी, वो जितना आपने हमें दे दिया है ना, हम उसी लाखों करोड़ों में काम कर लेंगे, और क्योंकि पहले ही हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो आईएमएफ पैसे दे। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये फैसला किया गया हो, जब आईएमएफ से हमें फंड आ जाएंगे, जो अभी नहीं आए हैं क्योंकि अभी तो फिलहाल चाइना ने ही सिर्फ दिया है, तो फिर दे देंगे आर्मी को भी। कहाँ भागे जा रहे हैं, और वैसे भी बहुत दिन तक तो हमारी आर्मी बगैर बजट के कैसे रहेगी? आपको मालूम ही, अब सब मैं नहीं बताना क्या सब कुछ, बहुत इंटेलिजेंट लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो सब जानते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा बोलूं तो आप लोग समझिए मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। और जो प्रोक्योरमेंट है पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा, यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है। जो नए हथियार खरीदने हैं, अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? चाइना ने तो जो दुर्गत बनाई है इनकी लद्दाख में, उनकी तरफ तो देखते नहीं है। और जो हमने अभिनंदन को जैसे पकड़ा और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस बहादुरी से इनको जवाब दिया और पहले टारगेट इनके लॉक करके इनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपनी हिफाजत के लिए, तो ये 16% इन्होंने इजाफा किया है। कि डिफेंस बजट कम किया गया पाकिस्तान का। डिफेंस बजट कम क्या मतलब? डिफेंस बजट इंडिया में तो ये इमेज थी कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता, चाहे वो चार भाई की एक रोटी खा लें, लेकिन डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता। ये डिफेंस बजट कैसे कम हुआ? देखिए बिल्कुल डिफेंस बजट का यही सुना गया है कि कम किया है, और आर्मी ने कहा है कि बस ठीक है जी, वो जितना आपने हमें दे दिया है ना, हम उसी लाखों करोड़ों में काम कर लेंगे, और क्योंकि पहले ही हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो आईएमएफ पैसे दे। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये फैसला किया गया हो, जब आईएमएफ से हमें फंड आ जाएंगे, जो अभी नहीं आए हैं क्योंकि अभी तो फिलहाल चाइना ने ही सिर्फ दिया है, तो फिर दे देंगे आर्मी को भी। कहाँ भागे जा रहे हैं, और वैसे भी बहुत दिन तक तो हमारी आर्मी बगैर बजट के कैसे रहेगी? आपको मालूम ही, अब सब मैं नहीं बताना क्या सब कुछ, बहुत इंटेलिजेंट लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो सब जानते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा बोलूं तो आप लोग समझिए मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। करीब 240 लोग हमारे साथ इस समय लाइव है और कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और, कि एक जर्नलिस्ट है जिनके बारे में मैं एक्चुअली हम मेरा आपसे पहले डिस्कशन जो हुआ था उसमें वो नाम नहीं था, इमरान खान एक जर्नलिस्ट भी है, उनको अरेस्ट किया गया, फोटो आई, वीडियो आया, क्या ये यूथियों पर टारगेट है? वो भी तो एक तरीके की यूथी थे ना, जो कि बहुत ज्यादा इमरान को सपोर्ट किया करते थे। जी वो इमरान रियाज खान है और ये टीवी एंकर है, हम उन्हें एज सच जर्नलिस्ट तो नहीं समझते, क्योंकि अगर वो जर्नलिस्ट होते तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ ना दे रहे होते, क्योंकि जर्नलिस्ट का ये काम नहीं होता, जर्नलिस्ट सिर्फ न्यूज देता है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन खैर इमरान रियाज खान साहब जो है, वो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल रैलीज में भाषण भी झाड़ते रहे हैं, और उसके बाद बाजवा साहब को भी जो है वो धमकियां लगाते रहे हैं, आर्मी के बारे में भी बोलते रहे हैं, और बड़ा कुछ मतलब बहुत कुछ उनकी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब मेरे ख्याल बार बार जो कह रहे थे मुझे अरेस्ट किया जाएगा, तो वो गलती से इमरान खान के बजाय ये इमरान रियाज खान को उठा के ले गए,
और अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, और पहले आप मालूम है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो अच्छा अच्छा बोलेंगे। और वैसे उनकी स्टेटमेंट अभी से आनी शुरू हो गई, और खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी मैंने तो न्यूट्रल को कुछ भी नहीं कहा, नहीं जी मैं तो अपनी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बात नहीं करता। तो मुझे एक तरीका होता है ना कि मतलब अगर बच्चे जो हैं वो क्लास में, अगर स्कूल में या कहीं इवन घर में अगर कोई 3-4 बच्चे हों तो किसी एक के चपड़े लगा देना तो बाकी अपने आप ही बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ही। तो मेरा ख्याल कुछ इस किस्म का सीन हो रहा है कि एक का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा बाकी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अभी जितने मेंढक की तरह निकले थे ना इनके साथी जो बाकी के एंकर भी थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो सब एकदम सन्नाटे में, कहीं नजर नहीं आ रहे ट्विटर पे या कहीं भी, पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब, लेकिन कोई दिखा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपने डिफेंस का बजट कितना ज़्यादा कम कर चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी एकदम कायर हो गई है। वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी को कायर आर्मी कहा जाता है, और वहीं पे भारतीय आर्मी को एकदम तगड़ा और जोशीला आर्मी कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान जिस तरह से अपनी आर्मी के में बजट में कमी किया है, उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है वो और भी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। और दोस्तों पाकिस्तान इतना कुछ अपनी आर्मी में कमी लाने के बाद भी वो कह रहा है कि जो हमारी आर्मी है वो कह रही है कि हम भूखे भी और खाली पेट भी हम भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है, और जो सच्चाई है असली पाकिस्तान की वो उसको छुपा रहा है। और दोस्तों यहीं पर भारत जो है वो अपने डिफेंस को इतना ज़्यादा मजबूत कर रहा है, उसने आने वाले कुछ दिनों में और पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे तकनीकी अपनाई है, ऐसे ऐसे पिछले सालों उन्होंने वेपन्स खरीदे हैं, ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिसके बाद कोई भी अगर देश उससे युद्ध करता है तो उससे पहले उसको एक बार सोचना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो केवल एक अपने न्यूक्लियर बम के ऊपर, जो उसका एटमिक बम है उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा उड़ता है जैसे कि उसने कई सारे बड़े बड़े मिसाइल जो हैं वो उसने प्राप्त कर लिए हों। दोस्तों वहीं पर भारत हर एक साल एक दो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिसाइल दूसरे देशों से खरीदता है, जिसके बाद और भी ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी को चिढ़ होता है और वो भारत के खिलाफ में प्रोपेगेंडा करते हैं। वहीं पे भारतीय आर्मी इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ अपने देश का नाम रोशन कर रही है, और जिस तरह से अगर कोई भी उस घुसपैठ होती है भारत के अंदर में तो वो उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाती है। और जो ये घुसपैठ होती है वो सीधा सीधा केवल पाकिस्तान की तरफ से होती है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि दूसरे देशों में जाके जिहाद फैलाने काम करता है और आतंक फैलाने काम करता है, और वहाँ पर वो जो सूरत हाल है वो ख़राब करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान यही सब करने के कर में अपने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, अपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसको अपने डिफेंस का बजट को भी उसको शून्य करना पड़ा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को छुपा रही है, वो केवल अपनी आर्मी की तारीफ कर रही है मीडिया पे आके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।